हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके रेवोल्यूशन में। हमारी जो प्रॉफिट और लॉस की सीरीज़ थी उसके हम 8वें लेक्चर में पहुंच चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हम जो बेईमान दुकानदार से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि दुकानदार ने क्या करा, एक दुकानदार ने अपनी सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 30% वजन वो कम तौलता है। तो उसका हमें एक्चुअल लाभ बताना है कि इसका ओरिजिनल लाभ कितना है। ठीक है, बेच तो वो कॉस्ट प्राइस पर आए, उसने बोला कि जो मैं बेचूंगा उसे कॉस्ट प्राइस पर ही बेचूंगा, लेकिन 30% वजन कम तौल रहा है। अच्छा, अब देखो जो भी दुकानदार है वो कैसे करेगा, वो वजन में ही हेर फेर कर सकता है। तो देखो हम मानते हैं कि 1000 ग्राम का वो सामान था। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 ग्राम का वो सामान था, उसने क्या करा 30% कम तोला। ठीक है, 1000 ग्राम को हम 1000 रुपये के बराबर मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 1 ग्राम 1 रुपये का। अब बात क्या, उसने 30% कम तोला, तो 30% यानी कि उसने हमसे 30%, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि उसने कितने करा, 30% कम तोला यानी कि उसने 700 ग्राम करा यहाँ पर। ठीक है, 700 ग्राम तो तोला होगा ना, उसने हमको 700 ग्राम दिया, उसने तो हमसे 1000 रुपये उसने लिए, लेकिन हमको केवल 700 ग्राम ही दिया। 700 ग्राम यानी कि 700 रुपये का दिया सामान, तो उसने फ़ायदा कितने रुपए का कमाया। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूं तो उसने 300 रुपये का फ़ायदा कमाया। ठीक है, क्योंकि 300 ग्राम बचे थे, और कहाँ से फ़ायदा कमाया, उसको तो सामान कितने का पड़ा, 700 का ही पड़ा। तो 700 रुपये के ऊपर 300 रुपये, इसको हम प्रॉफिट निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा इससे कट जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा लगभग 3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा 300/7, यानी कि 42.7। तो देखो इस क्वेश्चन में हम एक बार फिर से देखते हैं। देखो 1000 ग्राम प्राइस की, ग्राम की कीमत कितनी है, 1000 रुपये है। उसने बोला 30% कम तोला, 30% कम तोला, तो 1000 ग्राम की जगह उसने हमें कितना सामान दिया होगा, 700 ग्राम सामान दिया होगा। 700 ग्राम का मतलब 700 रुपये का सामान दिया उसने, तो यानी कि 300 रुपये उसने बचाए 700 ग्राम के ऊपर, तो हमने परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं जहाँ पर वो कम तोल रहा है या वो कोई एरर जो वजन है उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलो की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। 800 ग्राम तोल रहा है, तो देखो 800 ग्राम यानी कि उसने हमको बोला कि मैं 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन उसने हमको कितना दिया, 800 ग्राम दिया। ठीक है, 800 ग्राम उसने हमको दिया, यानी कि 200 ग्राम उसने हमको नहीं दिया, तो ये 200 रुपये का फ़ायदा हो गया उसको, क्योंकि हमने बोला कि 1000 ग्राम 1000 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, तो 200 रुपये का उसने फ़ायदा हुआ उसको, कहाँ से हुआ, उसके तो केवल 800 रुपये खर्च हुए, तो 800 रुपये खर्च हुए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम काट लेंगे, तो ये हमारा यहाँ से बन जाएगा ऑप्शन 25% आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे मैं कराया था वैसे ही है, जो उसने एरर वेट है, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप याद करना चाहो या कैसे सॉल्व करते हैं क्विकली, तो जो भी आपको एरर वेट दिया होगा, एरर वेट, ठीक है, उन दोनों को मिलाकर और जो आपके पास बचा है उनको मिला के 1000 हो जाना चाहिए। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर वाले क्वेश्चन में क्या था, 200 ग्राम यहाँ पर, 800 यहाँ पर, देखा हमने, तो हो गया ना 1000 पूरा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये कर लो। ठीक है, ये तो आप इसको ऐसे में कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% वजन कम तोलता है, वास्तविक हानि ज्ञात करें। अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने बोला कि मैं 44% हानि पर बेचूंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वही आ गया, क्या है, सामान कितना होगा, 1000 ग्राम है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 रुपये भी आप बोल सकते हो कि 1000 रुपये थे मेरे पास। ठीक है, 1000 रुपये मैंने बेचने हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस। उसने बोला कि मैं 44% की हानि पर बेचूंगा, 44% की हानि इसके ऊपर होगी मुझे, तो इसका 44% अगर मैं निकालूं 440 होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस तो मेरे अकॉर्डिंग 540 होनी चाहिए, क्योंकि 44% की तो हानि हो रही है, तो सेलिंग प्राइस तो 540 हो गई। लेकिन वो वज़न कितना कम कर रहा है, 30% वो वज़न कम कर रहा है, 30% वज़न कम कर रहा है, यानी कि सामान दे कितने का रहा है, 700 का। ठीक है, तो एक्चुअल में वो 1000 नहीं दे रहा है, 540 में 1000 नहीं दे रहा, वो 700 रुपये में 540 का सामान दे रहा है, यानी कि ओरिजिनली उसको 140 रुपये का ही नुकसान हो रहा है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 700 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे इस 2 0 से 2 कट जाएंगे, सी हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
उसने बोला 44% की हानि, तो 44% की हानि तो इतनी हो गई, तो इतनी होनी चाहिए। तो अगर आप इसको, अगर आप करंट लॉस निकालना चाहें कितना आ रहा है, अगर ये वाला इधर वाला पार्ट नहीं दिया होता, इतना ही क्वेश्चन होता कि वो 44% का लॉस ले रहा है, तो आप देखो 540 में, 1000 रुपये का सामान 540 में बेच रहा है, तो आप यहाँ से लॉस निकाल सकते थे। लेकिन एक्चुअली बात क्या थी कि उसने 30% वजन कम तोला, यानी कि वो 700 रुपये का सामान दे रहा है 540 में, तो एक्चुअल वो केवल 140 रुपये ही कम दे रहा है, 460 रुपये कम नहीं दे रहा है, यहाँ पर 440 रुपये कम नहीं दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। Thank you.